खबर धूरी पंजाब से। भगवान वाल्मीकि दलित चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक विकी बरोचा ने पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि गढ़वाल चौक पर पंजाब सरकार खिलाफ ही जमकर नारेबाजी की। कहा कि आरक्षित कोटे की नौकरी खाने वालों के खिलाफ ही सरकार द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके कारण पूरे समुदाय के लोगों को परेशानी हो रही। प्राइम विकी न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। तरवंजा दिन तो मोहाली पक्का मोर्चा चोर फड़ो मोर्चा वालों धरना लग्या होया जी, जिदे विच पंजाब दे विच 1300 तो उपर जिहड़े जाली सर्टिफिकेट बना के जनरल लोग एक्सीसी कोटे च नौकरियां कर रहे हैं, तो वह बंदे ट्रेस हो गए। तो सरकार उन्होंने बनती जी कार्रवाई वो करनी रही, सरकार को बड़े लंबे समय से अपरोच किया जा रहा है। तो 9 तरीक में साड़ी सेम साहब का मीटिंग थी, उस मीटिंग के कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, वह पहुंचे नहीं। तो उस 12 की कॉल दे दी, 12 जून की बंद थी। कल सरकार ने कैबिनेट मंत्री चीमा साहब ने मीटिंग करके 3 मैंबरी कमेटी बन गई जी, इस करके असं ये धरने अज कैंसल करे से, जोड़ा अभी बाजार बंद कराने से, रोड बंद करना से पूरे दिन में। फिर जो सूँ पता चलिया भी कमेटी वालों ये कॉल बंद लीती गई है, असी थोड़ी जी गिणती दे विच अपना मंग पत्र दिता भी सरकार पता चल सके भी जी कॉम्पाउंड छुट्टियां नहीं पईआं, तो ये धरना असी अगे करिया कैंसल नहीं किया। दोबारे जे सरकार ने जो ये मंग साडी ठंडे वास्ते च पाई, असी धरना पक्का पूरी पक्का मोर्चा लावांगे, हजारां दी गिणती च लावांगे।